इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कई दलों के नेताओं ने थामा है बीजेपी का दामन। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में हुए शामिल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरएलडी नेता राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व सपा विधायक जगदीश सोनकर भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा पूर्व सपा विधायक सुषमा पटेल बीजेपी में शामिल हुई हैं। पूर्व विधायक अंशुल वर बीजेपी में शामिल हुए हैं। जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से बनारस मेयर प्रत्याशी शालिनी यादव भी भाजपा में शामिल हुई हैं। तो बसपा के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। तो भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि आरएलडी नेता राजपाल सैनी, पूर्व सपा विधायक जगदीश सोनकर, पूर्व सपा विधायक सुषमा पटेल, पूर्व विधायक अंशुल वर्मा, जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज, कांग्रेस से बनारस मेयर प्रत्याशी शालिनी यादव समेत कई अन्य नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आज कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में आपको बता दें कि कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो भाजपा मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरएलडी नेता राजपाल सैनी, पूर्व सपा विधायक जगदीश सोनकर, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, पूर्व सपा विधायक सुषमा पटेल, पूर्व विधायक अंशुल वर्मा, जौनपुर के पूर्व विधायक गुलाब सरोज, कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी शालिनी यादव ने बीजेपी का दामन थामा है। तो बसपा के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल रहे। तो आरएलडी नेता राजपाल सैनी, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और जगदीश सोनकर, सुषमा पटेल, अंशुल वर्मा, गुलाब सरोज, शालिनी यादव समेत कई नेता जो हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कई दल के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ये सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और सभी शामिल नेताओं को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अंकित, आज आप हम देख रहे हैं कि बीजेपी में आज कई नेताओं ने सदस्यता ली है, कई नेताओं इस दौरान शामिल हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे, क्या अधिक जानकारी? हाँ जी, ये प्रोग्राम अभी करीब आधा घंटा पहले खत्म हुआ और इसमें सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा समेत कई नेताओं ने शामिल हुए हैं बीजेपी में और समाजवादी पार्टी लोकदल के नेता जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। और इसमें मुख्य जो नेता शामिल हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में साहब सिंह सैनी शामिल हुए हैं, आरएलडी नेता राजपाल सैनी शामिल हुए हैं, पूर्व मंत्री पूर्व सपा विधायक जगदीश सोनकर भाजपा में शामिल हुए हैं और पूर्व सपा विधायक सुषमा पटेल भी भाजपा में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वाली श्वेता यादव, वो भी शालिनी यादव, वो भी शामिल हुई हैं भाजपा में।
अंकित, अगर बात करें तो आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में विपक्ष जो है वो एकता की बात करता है कि विपक्ष जो है वो एक है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि विपक्ष के ही जो नेता है वो विपक्ष को छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इससे जो विपक्ष है वो कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ जी, अगर बात करें विपक्ष के गठबंधन इंडिया की, तो विपक्ष का गठबंधन 26 दलों के साथ सिर्फ है और भाजपा का जो गठबंधन एनडीए है वो 38 दलों से ज्यादा दलों के साथ है और आज भी कई महत्वपूर्ण नेताओं ने ज्वाइनिंग करी है। तो यहाँ देखते हैं कि विपक्ष का जो पलड़ा है वो काफी हल्का होता जा रहा है। पहले भी विपक्ष को झटका मिल चुका था, दारा सिंह ने पहले सपा छोड़ी थी और कई कांग्रेस, बसपा और आरएलडी के नेता जो है अपना दल छोड़ करके भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पर जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा, आरएलडी, कांग्रेस, बसपा के कई नेता बीजेपी में आज शामिल हुए हैं।